नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो अभी अभी जैसा कि कल शाम से ये खबरें आने चालू हो गई थी कि रेलवे जो है फिर से लगभग 2.5 लाख वैकेंसियों पर भर्ती करने वाला है। तो ये भर्तियां कब होंगी, कब आएंगी, किस पोस्ट की होंगी, तो इसके बारे में हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे। तो लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी जैसे कि कल आपको पता है कि पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे इस टाइम कोयला मंत्री भी हैं और रेलवे मंत्री भी हैं, इनको साथ साथ में अब वित्त मंत्रालय का भी जो जिम्मेदारी है वो कुछ समय के लिए सौंप दी गई है, क्योंकि अरुण जेटली जी बाहर गए हुए हैं। तो इन्होंने जो है अपनी जो इनकी मीटिंग थी उसमें इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये प्रोनाउंस किया है कि रेलवे आने वाले टाइम पे लगभग 2.3 लाख पदों पर भर्ती करेगा, जिनमें से कुछ भर्तियां आपको इसी साल देखने को मिल जाएंगी। इलेक्शन से पहले उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में लग जानी है कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आचार संहिता, तो उस टाइम पर कोई नई वैकेंसी नहीं आ पाएगी। तो उस आचार संहिता लगने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे जो उसका काम है वो बिना रुके टुके आगे चल सकता है, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए लगभग 1 लाख पद हैं वो आपके 2020 में आएंगे, ओके। तो ये देख लेते पहले खबर क्या थी। तो आप इस क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1,31,428 पदों पर जो है पहला चरण, इसके आपके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे फरवरी से मार्च में। और इसकी जो फाइनल जो आप ज्वाइनिंग देख सकते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं, वो लगभग 2020 में, क्योंकि एक साल का प्रोसीजर तो हर वैकेंसी में लगी जाता है। और इसके अलावा जो बचे हुए लगभग 99,000 या फिर 1 लाख पद आप कह सकते हो, वो आपको उस ज्वाइनिंग होने के बाद 2020 में आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि जो अभी अभी केंद्र सरकार का फैसला था कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का, तो इस वैकेंसी में आपको वो 10% का आरक्षण देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि जो लगभग इनमें से गरीब सवर्णों के लिए 23,000 सीटें जो हैं रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए 62,000 हैं, एससी के लिए 34,000 हैं और एसटी के लिए 12,000 सीटें। तो लगभग इतनी सीटें जो हैं लगभग हर अलग अलग कैटेगरी रिवाइज है वो रिजर्व हैं, और बाकी जो बची हुई हैं वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कोई देखो फेक न्यूज़ तो है नहीं, ये सिर्फ रेल मिनिस्ट्री ने खुद ही वो बोला है, क्योंकि इनको पता है कि अभी जो ये टाइम आ रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, ये एक रिटायरमेंट का टाइम, इस टाइम पर काफ़ी सारे लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो एक तो पहले से ही बैकलॉग में वैकेंसियाँ काफ़ी पड़ी हुई थी, सीटें खाली थी, और अब नए जो पुराने लोग इनके रिटायरमेंट होने से जो सीटें हैं वो और बढ़ जाएंगी। तो साथ के साथ इन सभी पदों को भर दिया जाना है। आप देख सकते हो कि पीयूष गोयल ने कहा है के 1.5 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मतलब जो चल रही हैं उनके अलावा ये वैकेंसियां आनी हैं, और मार्च तक उनमें से कई सारी इसमें भी की एएलपी का आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है मार्च या फिर अप्रैल तक। इसके अलावा अगले 2 सालों में रेलवे 2.5 लाख लोग में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब लगभग 2.5 लाख सीटें खाली हो रही हैं, तो उन्हीं सीटों को यहाँ से दोबारा से भर दिया जाएगा। आरक्षण में आप देख सकते हो कि जो पहले प्रोसीजर था वो बिल्कुल है, बस उसी में से जो 10% था जो पहले से था वो तो बचा हुआ है, लेकिन जो अलग 50% का बचा हुआ था अनरिजर्व में, उसमें से 10% जो है गरीब सवर्णों को दे दिया जाएगा। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप देख सकते हो कि 62,000 ओबीसी, 34,000 एससी, 12,000 एसटी और 23,000 जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। तो आप बस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 से 20 दिनों में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और पेपर चुनाव के खत्म होते ही मई जून के आसपास आप जून या फिर जुलाई में आप इसका पेपर होते हुए देख सकते हो। अब ये इसमें कौन सी वैकेंसियाँ होंगी, कौन सी सीट्स होंगी, इतना तो कह पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ जो NTPC हुआ था 2015 में, तो आपको उसकी भी कम से कम यहाँ पे 50,000 के आसपास वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आपका टिकट कलेक्टर, टिकट चेकर, क्लर्क और ASM ऐसी आपके वैकेंसी इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फिर से हो सकता है कि ग्रुप डी की वैकेंसियाँ या फिर से आपको टेक्नीशियन की वैकेंसियाँ इसमें देखने को और मिल जाएं, और साथ में आपका JEE का नोटिफिकेशन चल ही रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ाई कंटिन्यू करे रही है, ऐसी वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती हैं। काफ़ी अच्छा एक स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का, उनको रोजगार की तरफ ले जाने का, ठीक है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।